पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। लीजेंडरी एक्ट्रेस रेखा का 69वां बर्थडे है। यूं तो बॉलीवुड के हर सितारे की अपनी कहानी है, लेकिन रेखा वो किरदार है जिनकी जिंदगी का हर अफसाना लोग सुनना चाहते हैं। रेखा के इस अफसाने की शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। रेखा का जन्म साउथ एक्टर जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावली के घर हुआ था। पुष्पावली जेमिनी की पत्नी नहीं थी। दरअसल जब दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी तब जेमिनी पहले से शादीशुदा थे। वहीं पुष्पावली ने भी अपने पति को तलाक नहीं दिया था, ऐसे में उनका शादी करना माने नहीं था। जेमिनी ने पुष्पावली को सब कुछ दिया लेकिन अपना नाम नहीं दे पाए। यही कारण रहा कि जब रेखा का जन्म हुआ तो उन्हें जेमिनी और पुष्पावली की नाजायज बेटी कहा गया। नतीजन रेखा का बचपन पिता के प्यार के बिना गुजरा। रेखा की स्कूलिंग मद्रास के एक स्कूल में हुई, वहीं जहां जेमिनी गणेशन और उनकी पहली पत्नी के बच्चे पढ़ते थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।